यश चोपड़ा, बॉलीवुड के एक ऐसे शोमैन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 50s के एरा में की थी। यश चोपड़ा की जिंदगी की बात करें तो 27 सितंबर 1932 को लाहौर में एक पंजाबी हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ। लाहौर तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। इनके फादर PWD के डिवीजन में एक अकाउंटेंट हुआ करते थे। ये लोग 8 भाई बहन थे जिसमें सबसे छोटे थे यश चोपड़ा। इसमें इनके एक बड़े भाई PR चोपड़ा खुद एक फिल्म मेकर और फिल्म जर्नलिस्ट बन चुके थे। यश चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई जालंधर से की थी और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो इनकी फैमिली लुधियाना शिफ्ट हो गई। ओरिजिनली यश चोपड़ा इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म मेकिंग को लेकर भी इनका एक पैशन था जिसकी वजह से ये मुंबई आए। इन्होंने ज्वाइन किया IAS जौहर को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और अपने बड़े भाई बलदेवराज चोपड़ा को भी असिस्ट किया। इनका पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 1959 में आई धूल का फूल, जिसे क्रिटिक्स ने काफी सराहा। उसके बाद आई धर्मपुत्र जो इंडिया के पार्टीशन पर ही बेस्ड थी, लेकिन तब पब्लिक का काफी विद्रोह इन्हें बर्दाश्त करना पड़ा और इन्होंने फैसला किया कि ये पॉलिटिकल फिल्म्स नहीं बनाएंगे। 27 सितंबर है इस शोमैन की बर्थ एनिवर्सरी और हम कर रहे हैं इस शोमैन को याद।